नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशन मॉनिटर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप APS ID के तलाश में हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन सी कंपनी का मैं आपको ID दूंगा और ये कंपनी कैसी है, इसका क्या कमीशन है और मनी ट्रांसफ़र का क्या चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस बिल पॉइंट्स का डिटेलर ID लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो आपको देना होगा। और ID देने के बाद, सॉरी डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपका ID जो है 10 मिनट के अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। और इसका KYC करने में फ्रेंड्स 2 दिन लगता है, तो 2 दिन आपको वेट कर लेना है जब तक KYC कंप्लीट नहीं होता। KYC जैसे ही कंप्लीट होगा तभी जाके आपको APS काम करेगा। ठीक है, ID और पासवर्ड आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन KYC में 2 दिन टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बिल पॉइंट्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिल पॉइंट्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको दे देना है, देन उसके बाद ओके के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गिरेगा। OTP गिरने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा आपका ID, और TPIN जो है ट्रांजेक्शन पिन भी आपको मैसेज में मिल जाएगा ID और पासवर्ड के साथ, वही TPIN आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप डालते हैं TPIN तो इसका जो है फर्स्ट टाइम जो इसका होम इंटरफेस है वो इस तरह का शो होगा, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। इसका होम पेज इंटरफेस इस तरह का शो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे डिस्प्ले पे इस तरह से भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे APS 1 है, APS 2 है, माइक्रो ATM है, देन उसके बाद जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट और तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेस पेमेंट है, यानी मनी ट्रांसफ़र यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको कंसल्टेशन सर्विस में क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे पैन कार्ड सेंटर है, यहाँ से आपको एक ID फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। यहाँ से आप पैन कार्ड भी UTI का ऑफिशियल वेबसाइट पे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लॉगिन पासवर्ड आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल पॉइंट्स में आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका कमीशन चार्ट जो है इसका लिंक मैं PDF का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। इसका ID लेने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको भेज देना है हमारे व्हाट्सएप पे, और भेजने के बाद तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर ID पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसका रिटेलर ID का चार्ज फ्रेंड्स 300 रुपये है, अभी ऑफर चल रहा है इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये ऑफ़र जो है लगभग 1 सप्ताह का है, 1 सप्ताह के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं या अपने आसपास के दोस्तों को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ऊपर में 3-डॉट लाइन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा फंडा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, फिंगर लॉक, प्री कंफर्मेशन, ट्रांजेक्शन साउंड, लॉग आउट, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
और उसके बाद जैसे आप माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो माय अकाउंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड, चेंज टी पिन, तो आप ट्रांजैक्शन पिन यहाँ से बदल सकते हैं और पासवर्ड भी यहाँ से आप बदल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा आपका, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके अपने नाम से यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या तो डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका कमीशन चार्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वैसे मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगर आप रिचार्ज करते हैं तो रिटेलर का कमीशन किस कंपनी में कितना है यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, DTH का रिचार्ज करते हैं तो रिटेलर को कितना कमीशन कौन सी कंपनी पे मिलेगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे APS का काम करते हैं, यानी कि पैसा निकासी वाला जब काम करते हैं तो आपको कितना में कितना कमीशन मिलेगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है सेटलमेंट, अगर आप वॉलेट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो है कमीशन प्लस TDS यानी कि चार्ज भी कटेगा इसमें आपको और कमीशन भी आएगा, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र जो करते हैं, यानी कि आप अपने ID से किसी के दूसरे अकाउंट में जो मनी ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा जो भेजेंगे, उसका चार्ज कितना में कितना है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। ID लेना है तो WhatsApp का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।